अस्सलाम, कैसे हैं सब लोग? ठीक है, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माई चैनल। और वीडियो जो आज हम बनाने जा रहे हैं, लेटर डी पे है, उसको आप अच्छे तरीके से देखिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें और वीडियो को अच्छे तरीके से समझा करें। वीडियो को देख के उस तरीके से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें ताकि आप उसका अच्छे तरीके से फ़ायदा हो। आए, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर कैपिटल लेटर को स्टार्ट करेंगे। जी, टॉपिक है हमारा, इसको अच्छे तरीके से प्लीज़ देखें। ये हमने राइट किया कैपिटल, इधर हम लिखेंगे आर। ये हमने सबसे ऊपर राइट किया कैपिटल लेटर। और अब हम ब्लू मार्कर के साथ लेटर डी आज इंशाल्लाह करेंगे। आज का जो हमारा लेटर है वो है लेटर डी। और डी को किस तरीके से लिखा जाता है? जी, ये कैपिटल लेटर है हमारा आज का लेटर डी, इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। अच्छे से देखिएगा इसको। राइट एंगल पे हमने इसको लिखना है। जैसे आपको याद होगा, हमने सबसे पहले जो टी स्मॉल लेटर में लिख रहे थे, ये वाला हिस्सा वही है जो हम टी बनाते हैं। तो ये हिस्सा हमने बना के इसको पहले एल की लुक देनी है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, एल की लुक दे के इसको, फिर हमने इसको, ये देखिएगा J1, ये देखना है इसका कौन सा हिस्सा हमने बारी करना है। ये हमने लेटर डी लिखा कैपिटल जॉइनिंग राइटिंग में। अब हम इसको ब्लू मार्कर से फर्स्ट थ्री लाइन पे राइट करेंगे। इसका साइज़ हम थोड़ा छोटा करेंगे और आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। फिर देखें इसको, थोड़ा टिपिकल है, आपने इसको समझना है अच्छे से। अब जी स्टूडेंट, ये हमने ब्लू मार्कर से लिख लिया। अब हम वन टाइम एक और लाइन ड्रा करेंगे इसके नीचे ताकि हम ब्लैक मार्कर से इसको राइट करें अच्छे से। ये मेरे हाथ में डबल साइड मार्कर है,
ब्लैक मार्कर से हम इसको लिखेंगे, थोड़ा सा स्टाइल आपको चेंज करके दिखाते हैं। जी अब थोड़ी लुक और चेंज करते हैं इसकी। अच्छे से देखें इसको, डी को किस तरीके से लिखा जाता है। जब आपको एक स्टाइल आ जाता है ना, तो बाकी वाला जो स्टाइल होता है ना, वो खुद ब खुद ही आपको समझ आनी शुरू हो जाती है कि किस तरीके से हम इसको राइट कर सकते हैं। अब हम अपना नेम नीचे राइट करेंगे ब्लू मार्कर के साथ। ये हमारे पास ब्लू मार्कर है, लेटर है हमारा एफ। अच्छे से देखिएगा प्लीज़। बी अब हम राइट करेंगे, लेटर बी, ये भी कैपिटल है। डॉट, सबसे पहले हमने ए लिखा, आई एस, और लास्ट लेटर हमारा टी, आर्टिस्ट। ये हमारे चैनल का नाम है, इसको हमने नीचे राइट कर लिया। अब हम इसकी शेडिंग करेंगे, और शेडिंग के लिए हम जो कलर यूज़ कर रहे हैं वो आप देखिएगा इसको अच्छे तरीके से। ये पिंक कलर है, आज हम पिंक कलर से शेडिंग करेंगे। शेडिंग को भी समझा करें, इंशाल्लाह किसी दिन हम शेडिंग पे भी ना आपको एक पूरा लेक्चर जो ना इंशाल्लाह देंगे कि शेडिंग कैसे करते हैं, आउटलाइन कैसे करनी है, जिधर मर्जी नहीं ले जाते इसको, जिधर बनती होती है इसका जो अक्स होता है उसके हिसाब से इसको चलाना होता है हमने। ये अब हम इसको बाहर वाली साइड पे, जो न्यू सब्सक्राइबर हैं और जो मेरे प्रीवियस हैं, जो मेरे साथ अटैच हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। ऐसे वीडियो को देखते रहिएगा, और कोशिश कीजिएगा जो आपके जानने वाले हैं उनको भी मेरे चैनल के बारे में बताएं जिसको राइटिंग का इंटरेस्ट है, और इंशाल्लाह हम एक दिन आपको कंप्लीट आर्टिस्ट बना देंगे अगर आप वीडियो को रूटीन में देखते रहेंगे। तो इंशाल्लाह कोर्स बाई कोर्स हम चाह रहे हैं, और इससे इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा, आगे नई चीज़ें भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।